नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे अभी हाल ही में बॉलीवुड के एक बड़े सेलिब्रिटी हैं विजय देवरकोंडा, जिनकी फिल्म अभी हाल ही में लाइगर रिलीज हुई है, लेकिन इनकी फिल्म को भी दोस्तों लोग बायकॉट कर रहे हैं। साथ ही इनकी फिल्म भी काफ़ी बुरा रिस्पॉन्स दे रही है सिनेमाघरों में। लेकिन इसी बीच विजय देवरकोंडा ने सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और अपनी चुप्पी तोड़ दी है। और विजय देवरकोंडा ने सुशांत केस को लेकर पहली बार यह खुलासा किया है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। विजय देवरकोंडा ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं बॉलीवुड में जो कि कुछ लोगों को निशाना बनाते हैं, बॉलीवुड के गैंगबाज हैं, साथ ही साथ वो नए टैलेंटेड एक्टर को अक्सर अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन ऐसे टैलेंटेड और एक्टर को जो कि बाहर की दुनिया से आते हैं, उनको संभल कर रहना चाहिए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को शायद इसकी जानकारी नहीं थी, इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत इन तमाम चीज़ों का शिकार हो गए। यानी कि दोस्तों, विजय देवरकोंडा ने साफ शब्दों में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को जानबूझ करके और बहुत ही खतरनाक तरीके से खत्म किया गया। यानी कि अब आने वाले दिनों में दोस्तों विजय देवरकोंडा और भी कुछ खुलासे कर सकते हैं बॉलीवुड के गेंगबाजों को लेकर, बॉलीवुड माफियाओं को लेकर। बता दें, हाल ही में अभी विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर रिलीज हुई है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये फिल्म भी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप होगी। लेकिन विजय देवरकोंडा ने अब सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा बयान दिया है, तो हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैन जो हैं वो इस फिल्म को सपोर्ट करें और उनकी फिल्म खूब कमा ले। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।